आज धड़ पकड़ चल रही है, छापेमारी चल रही है पंजाब में, जितने ओआरओपी के जो जंतर मंतर के जो नेता थे, या तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, या तो उनको थाने के अंदर ले जाके बिठा दिया गया है, या उनके घर के आगे सिविल ड्रेस में या वर्दी में या जिप्सी खड़ी कर दी गई है, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज अभी यह है कि भाई जो फर्स्ट और सेकंड लाइन के जितने भी जो ओआरओपी जंतर मंतर के नेता थे, उनके ऊपर पूरा प्रशासन ने नजरबंद कर दिए गए हैं या गिरफ्तारी कर दिए गए हैं। और मैं अब इस समय जो बात हुई है, जो एक दो नेता हैं उनसे हुई है, तो कल 1 जनवरी का जो रेल रोको अभियान है उसको स्थगित किया जा रहा है, उसको स्थगित किया जा रहा है, कैंसिल नहीं किया जा रहा। मैं आज फिर, अगर कोई भी हमारा केंद्र सरकार का जो हमारा कोई भाई है या एजेंसियों वाले भाई हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो हम स्थगित कर रहे हैं, पर कैंसिल नहीं कर रहे। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 1 जनवरी 2024 को देश की 11 जगहों पर रेल रोको आंदोलन था, पूर्व सैनिक जेसीओआर की मांगे न मानने पर पूर्व सैनिकों ने इस तरह का आंदोलन उनको करना पड़ा। और 1 जनवरी 2024 को ये आंदोलन था जिसको कि अभी निरस्त कर दिया गया है। सरकार ने हर जगह छापेमारी की है, जो भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ज़्यादातर जो पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके संबंध में पंजाब से भी खबर आई है हमारे उजाला पेपर के माध्यम से कि सबका कमेटी ने आज प्रदर्शन का फैसला वापस लिया। नए साल के पहले दिन सोमवार को भारत के में 11 जगहों पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने वन रैंक वन पेंशन व वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। देर शाम तक पंजाब में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद कमेटी ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल यह जो आंदोलन है उसे वापस ले लिया गया है। कमेटी के हरियाणा जनरल सेक्रेटरी कपिल फौजी ने बताया कि नए साल के पहले सप्ताह जंतर मंत्र पर कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद ही आगे की रणनीति पर जो है तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस ने कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है, वह कई को नज़रबंद कर लिया है, जिस कारण प्रदर्शन का फैसला फिलहाल वापस लिया गया है। कमेटी के ऐलान को लेकर अम्बाला में भी रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर कर दी गई थी। पूर्व सैनिक जेसीओआर की सिर्फ यही मांग है कि 3 जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटी बनाई जाए और देखा जाए कि भेदभाव है या नहीं है, सरकार को भी सोचना चाहिए। इसके संबंध में सबका संघर्ष सैनिक कमेटी के द्वारा एक मैसेज दिया गया है। अब उड़ेगी भारतीय हिटलर की नींद, सच्चे पूर्व सैनिक होने लगे एकजुट। देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, आप सबको पता होगा भारत के इतिहास में पिछले 11 महीने से जंतर मंतर पर जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज नववर्ष है, आप अपने घर में खुशियां मना रहे होंगे, पर उन्हीं खुशियों के बीच आपकी सोच से भी दूर आपके हकों के लिए, आपके न्याय के लिए, सम्मान समानता स्वाभिमान के लिए सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेताओं को पिछले 40 घंटों से गिरफ्तार कर लिया गया है या घर पर नज़रबंद कर लिया गया है। परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक नए साल पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि चर्च में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो सुख संपत्ति खुशहाली मांग रहे हैं। पर इन सब के बीच ऐसे पूर्व सैनिक भी हैं जो अपने 35 लाख सैनिक परिवारों के लिए आत्मसम्मान न्याय समानता के लिए 11 महीने से परिवार को छोड़कर के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आज गिरफ्तार या फिर घर पर नज़रबंद हैं। भारत के इतिहास के सुनहरे अक्षों में लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां जब इन पन्नों को पलटेगी तो पाएगी कि 2023-24 में भारत में एक ऐसा हिटलर शाही सरकार का शासन था जिसने सैनिकों के साथ दमन किया, जिन सैनिकों ने 1962-65-71 कारगिल के युद्धों में भारत देश का परचम लहराया। जब उन सैनिकों ने इस सरकार से न्याय मांगा तो बदले में तानाशाही, न्याय के बदले भारतीय सेनाओं के लिए सूरमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो भगवान से अपने परिवार के लिए खुशियां मांगे वो तो स्वार्थी है, जो भगवान से दूसरों के लिए न्याय समानता मांगे संघर्ष करे वह इंसान और इंसानियत परमात्मा है। पूर्व सैनिक भाइयों को बताओ महान कौन। देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, अगर आज जो आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं उनका हौसला नहीं बढ़ाया तो वास्तव में पूर्व सैनिकों के इतिहास के लिए काला दिन है। देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, आज आप सबको एकता के साथ प्रण लेना पड़ेगा। जब तक 35 लाख पूर्व सैनिकों का धरना जंतर मंतर पर चल रहा है, 35 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हर दिन काला दिन के रूप में मनाएंगे। देश भर के 35 लाख पूर्व सैनिकों अपने सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि पर काला दिन पोस्ट और पोस्ट लगाएं और फोटो भी साझा करें। हमारा केंद्र सरकार का जो हमारा कोई भाई है या एजेंसियों वाले भाई हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो हम स्थगित कर रहे हैं, पर कैंसिल नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही उन नेताओं को बाहर छोड़ा जाएगा तो वैसे ही फिर प्रोग्राम बनेगा, फिर उनकी अगले की रणनीति